नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र पाटिल, विश्व मंगल आयुर्वेदा नासिक महाराष्ट्र से। कोरोना वायरस का भय आज पूरे विश्व के लोगों में बढ़ गया है। कोविड-19 जैसे कई वायरसेस जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आज से पहले मानवीय जीवन में बहुत दहशत पैदा कर चुके हैं। ऐसे प्रकार के वायरसेस श्वसन मार्ग से हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं। ऐसी बीमारियों का इलाज भले ही कठिन हो, लेकिन इनसे बचने का उपाय हमारे हाथ में है। ऐसे बीमारियों से बचने के लिए सबसे बड़ी ढाल है अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता। जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी होती है, वे लोग ऐसी बीमारियों के सिर्फ कैरियर्स बनते हैं। उनके शरीर में इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। इसके विपरीत जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, वे लोग ऐसे वायरसेस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आयुर्वेद में रोग प्रतिकारक शक्ति को ही धातु बल कहते हैं और ये धातु बल धात्वाग्नि पर निर्भर रहता है। अगर धात्वाग्नि और जठराग्नि बेहतरीन हो तो धातु बल अपने आप बढ़ जाता है, जिससे उत्तम रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। और इन धात्वाग्नि और जठराग्नि को बलवान रखने के लिए आयुर्वेद में बताई गई दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। खानपान के अनेक नियम और सूक्ष्म विचार इसी दृष्टिकोण से आयुर्वेद में बताए गए हैं। अपने कुक्षी के 3 भागों में से केवल 2 भाग ही भरे, इतना ही अन्न सेवन करना चाहिए। खाने के बाद शतपावली करना, वाम कुक्षी पे सोना, वज्रासन करना, सूर्यास्त के पहले ही अन्न सेवन करना, दिन में सिर्फ 2 बार ही अन्न सेवन करना, 15 दिन में 1 बार उपवास करना, पानी उबाल कर पीना, ताजा गर्म हल्का स्निग्ध अन्न सेवन करना, सात्विक अन्न खाना इत्यादि नियमों का पालन करना धातु बल बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ अभ्यंग मतलब पूरे शरीर को तेल लगाना, योगासन, प्राणायाम का नित्य नियम से पालन करना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों में बालगुडी का इस्तेमाल बहुत प्रशस्त है। सीजन के अनुसार पंचकर्म करने से भी शरीर शुद्धि होकर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। कोरोना वायरस जैसी संक्रमण व्याधियों के समय नाक में तेल की बूंदे डालना, औषधि द्रव्य से धूपन प्रतिबंधन उपाय के दृष्टिकोण से करना चाहिए। आपके आयुर्वेद डॉक्टर के मार्गदर्शन से आप रक्षोग्न धूपन का आयोजन कर सकते हैं। खासकर छोटे बच्चों के लिए इसे बहुत फायदा होता है। सुवर्ण सिद्ध जल का पीना ऐसे महामारी में बहुत उपयुक्त रहेगा। महामारी के वक्त और नियमित रूप में भी 5000 साल पहले ऋषि मुनि द्वारा बनाए गए च्यवनप्राश जैसे रसायन का प्रयोग करें, जो श्वसन मार्ग के व्याधियों को दूर रख श्वसन संस्था को उत्तम बल देता है। मूलतः आयुर्वेद का प्रयोजन ही स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च है। सो अपने जीवन में आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और दीर्घायुष्य बने। धन्यवाद।